सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, एक एक जगह पर इतने सारे मेरे ख्याल से सेंटर फॉर सोशल जस्टिस का जो किरदार है सबको इकट्ठा करने में, इससे बड़ी गैदरिंग मजहबी अकलियतों की, सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशनिस्ट हैं यहाँ पर मौजूद, मीडिया के नुमाइंदे हैं, बहुत से और तालिबे इल्म मौजूद हैं यहाँ पर, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मेरे पैनल के लिए मेरे पास दो काम हैं। एक मेरी जिम्मेदारी है लेजिस्लेशन फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर बात करना, चैलेंजेस के ऊपर बात करना, और दूसरा जो एक बड़ा इशू है हमारे सामने वो है सिंगल नेशनल करिकुलम या करिकुलम और निसाब में मजहबी अकलियतों की नुमाइंदगी और ऐसे मजामीन को, ऐसी आप कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स को निकालना जो कि नफरत पर मबनी है, उस तरह के निसाब को बेहतर बनाना कि हमारी आने वाली नस्लें एक ऐसा निसाब पढ़ें उनको किताबों में वो नफरत ना नज़र आए जो आज हमें सड़कों पर चौराहों में नज़र आ रही है। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं एक तारुफ के बाद ही चलती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी तारुफ के उनको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी ही सही, मैं फिर भी चाहूँगी कि इनकी काम का आपके सामने तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस खावर मुमताज़ साहिबा। खावर मुमताज़ साहिबा नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप सब वाकिफ होंगे, बहुत काम है खवातीन के हकूक और लेजिस्लेशन के ऊपर भी शिरकत का के नाम से। खावर मुमताज़ साहिबा बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आने का। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है बेला रजा जमील साहिबा, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लाएँ। बेला रजा जमील साहिबा का ताल्लुक एज एन एजुकेशनिस्ट, इनका काम आप सबने देखा है किस तरह से तहकीक पे मबनी काम उन्होंने सर अंजाम दिया है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए, और अभी वो एक इदारा है ITA के नाम से, उसकी सरबराह है और उसमें काम करती है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है अगैन मैं ख़वातीन का तारुफ पहले कर पा रही हूँ, मिस बुशरा अंजुम बट साहिबा। मिस बुशरा मेंबर है पंजाब असेंबली की, PMLN से इनका ताल्लुक है और मेरा इनके साथ अभी कुछ अर्सा पहले भी इनके साथ रब्ता हुआ जब पंजाब गवर्नमेंट ख़वातीन के ऊपर जिंसी जराइम के ऊपर एक एमरजेंसी नाफिज करने की तरफ चल रही थी, और उस वक्त भी इनका बहुत ज़्यादा काम था और उससे पहले भी मुख्तलिफ मौजूआत पर स्टैंड लेती रही हैं, पढ़ाती रही हैं लम्स में। बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस अफेयर्स इजाज़ आलम अगस्टाइन साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपसे हम बहुत से मौजूआत के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जब भी बात आती है पॉलिटिक्स में या अकलियतों के मसाइल की मजहब की बुनियाद पर तफरीक को ख़त्म करने की, इनका भी बहुत काम रहा है, एक्टिव रोल रहा है एज अ मिनिस्टर पंजाब में, कि वो किस तरह से उन्होंने इन चैलेंजेस को फेस किया, उनके ऊपर काम किया, हम उनसे इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। सेनेटर लालचंद मानी साहब का अगैन शुक्रगुजार है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए, PTI से ताल्लुक़ है और ताल्लुक में ये भी है कि उन्होंने भी हमेशा पार्लियामेंट में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर उनके लिए स्टैंड लिया, उनके लिए बात की, और जो एक पार्लियामेंट को हम कहते हैं कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा है अवाम की उमंगों की, उसकी तर्जमानी करने की बहुत हद तक कोशिश की। थैंक यू सो मच आपके आने का। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं
क्या इसका ताल्लुक है बशारत साहब का, जिस तरह आप सब अभी उनका पहले भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। हमारे ख्याल से बहुत सी मौजूद पर आइन की बालादस्ती की बात हो या एक सीजन पॉलिटिशियन जिनको जिनकी हमें नुमाइंदगी चाहिए, बहुत से मौजूद पर जो मजहबी अकलियत है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, हम चाहेंगे कि आज हम अपने पूरे पैनल से इश्यूज के ऊपर सवाल करें, आपकी राय जानें कि किस तरह से आपने एज ए सियासी वर्कर, एज एन एजुकेशनिस्ट और एज ए प्रोफेशनल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक पे किस तरह से अपनी पार्टीज में आवाम के सामने क्या इम्पोर्टेंस है मैसेजिंग की और क्या वो चैलेंजेस हैं जो हमें आपको फेस करने पड़े। सबसे पहले एक बड़ा मसला जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम में, बहुत कम बात होती है बड़े टॉक शोज में, वो है फोर्स कन्वर्जन का। फोर्स कन्वर्जन एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर मुझे कभी लगता है कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और हमारे सामने है कि हमारी बच्चियों को उठाकर एक पूरा साइकिल है। जितने लोग रिलीजियस माइनॉरिटी से हैं, अगर आप उनसे बात करें तो ये एक डे टू डे रियलिटी है। अभी परसों ही एक केस सामने आया, मुझे उम्मीद क्या मुझे पता है कि आप में से कम ही लोगों की नज़र में से गुजरा होगा, क्योंकि जब तक सामने नहीं आता हम मानते भी नहीं हैं। फोर्स कन्वर्जन, एक 12 साल की बच्ची को अबडक्ट किया गया, जिस तरह बहुत सी और बच्चियों को अबडक्ट किया जाता है, मजहब के नाम पर उनकी शादी की गई, एक जबरी शादी की गई और घर में एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट भेज दिया गया फोर्सफुली कन्वर्ट करके कि अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बावजूद इसके कि ये बच्ची चौथी जमात की तालिबे इल्म है, 12 साल उसकी उम्र है और ना हमारी कोर्ट्स फोर्स कन्वर्जन के ऊपर एक्ट करती हैं, ना हमारी पुलिस उसके ऊपर सामने आती है। और जब भी क्योंकि फोर्स कन्वर्जन एक ऐसा क्राइम है जो और बहुत से क्राइम्स के साथ इंटरलिंक्ड है, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, रेप केसेस हो, सेक्शुअल असॉल्ट हो, लेकिन जब मजहब का नाम आता है तो वो क्राइम पीछे हट जाता है। इसके ऊपर पार्लियामेंट ने बहुत सी दफ़ा कानून साजी की कोशिश की, लेकिन हम सेनेटर लालचंद माली साहब से, क्योंकि वो उस कमीशन का भी हिस्सा रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फोर्स कन्वर्जन का भी उन्होंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वो वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर आज तक हम 2022 में बैठे हैं। पिछले साल सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक ही फोर्स कन्वर्जन के केसेस में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया, लेकिन क्या वो वजूहात हैं कि इस इम्पॉर्टेंट मसले पर कानून साजी अभी तक नहीं हो पाई। सलाम नमस्ते, मैं सबसे पहले तो सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ कि वो गाय बताए इस तरह के प्रोग्राम करते हैं जिसमें मार्जिनलाइज जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी आवाज़ या उनके इश्यूज को उजागर वो करते रहते हैं। आज वैसे तो जब हम बात करते हैं पोस्ट कन्वेंस की, तो वैसे ये ह्यूमन राइट्स में कवर करते हैं इसको। पाकिस्तान का जैसा जो गैर मुस्तहकम वाशरा रहा है उसमें हम ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, आप सब भी उठाते रहते हैं। आज स्पेशली पोस्ट कन्वर्जेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन इसको हमने कनेक्ट किया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की स्पीच से, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सब आज़ाद होंगे मंदिरों में जाने के लिए, गर्जाघर में जाने के लिए, रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो मैं कल से या जैसे ये सेलिब्रेशन शुरू हुई है तो मैं उसको एक अलग कंटेक्स्ट में देख रहा था कि कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने तो बहुत कुछ कहा था, उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था करप्शन नहीं होगी, अक्रमा परवरी नहीं होगी, मेरिट होगी, मुफ्त ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, एंड एवरीथिंग। पर लास्ट 75 ईयर्स में हम ये पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहे हैं,
कायदे में पाकिस्तान तो बना के दिया, अब कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश करें जो बन लिया। तो उसमें जो अखिलेंदु से वादे किए गए थे तो वो भी उतने ही पूरे हुए जितने बाकी हुए, तो ओवरऑल ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बन नहीं सका। और उन्होंने कहा था कि बिजनेस जो रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो जो हमारा आईन 1973 का आईन है उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि इस स्टेट का जो रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। उसके अलावा भी काफ़ी आईन में जो प्रोविजंस हैं, जिस तरह पीटर जेकब साहब ने बातें सुनाई हमें सेनेट में आने की, फ्री में फ्रीली प्रोफेस करने की, रिलीजन की बात की, मुख्तलिफ चीज़ें की, तो उसी आईन में एक डिस्क्रिमिनेशन भी आ गई। 1973 के आइन में तो था कि माइनॉरिटी से कोई आपका बंदा प्रेसिडेंट ही बन सकता, लेकिन 18th अमेंडमेंट में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर की, उसमें एक चीज और भी उन्होंने कर दी कि वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। आइन पाकिस्तान में काफ़ी इंश्योर किया गया है राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, सब पाकिस्तानी राइट्स को, सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, पूरे पाकिस्तानी आज तक कोशिश कर रहे हैं कि जो आइन गारंटी कर रहा है कम से कम हमें वो राइट्स ही मिल जाए। हमें उस आइन के तहत राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं, और जो आइन ने खास तौर पर माइनॉरिटी के लिए कहा कि स्पेशल प्रोविजंस बी मेड फॉर द माइनॉरिटीज टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, कि वो अपना मजहब आज़ादी से प्रैक्टिस कर सके। तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई एक भी कानून ऐसा बना हो जो इस आर्टिकल के को प्रमोट करता हो या इसको इसके हवाले से आया हो। ना सिर्फ पोस्ट कन्वर्जन की बात करते हैं, मैं थैंक यू मेरे पास ओके। तो कोई भी कानून माइनॉरिटी के हवाले से 75 सालों में नहीं बना। लास्ट जो पार्लियामेंट थी तो उसमें एक हिंदू मैरिज बिल पास हुआ, लेकिन उसको 5 साल हो चुके हैं, उसके रूल्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, माइनॉरिटीज आर नॉट आवर प्रायोरिटी। मैं एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था, कोई दुबई में एक ट्रेड फेयर लगा हुआ था, वो बता रहा था कि यार यहाँ पे यूथ आई हुई है और वो बातें कर रही है कि वो बिलियनर है और यहाँ पे कारें नहीं है, न्यू न्यू के उसकी 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, न्यू न्यू इन्वेंशन हो रही है, और हम यहाँ पे 24 से फंसे हुए हैं कि नवंबर में तैनाती किसकी होगी, दिसंबर में किसकी होनी है, और कैसे होनी है और कैसे नहीं होनी है। कमिंग टू द पॉइंट में फोर्स्ड कन्वर्जन, क्योंकि मुझे कहा गया उससे बात करूँ, मैं उससे बात करना चाहूँगा। हमारी जो लीडरशिप है, पोलिटिकल लीडरशिप, वो वेरी मच अवेयर के ये इशू पाकिस्तान में है। बिलावल भुट्टो साहब बात करते हैं तो फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करते हैं। आपने परसों देखा इमरान खान साहब ने ना सिर्फ माइनॉरिटी डे मनाया, लेकिन वो मुख्तलिफ जल्सों में ये जिक्र करते रहे हैं और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में करते रहे हैं कि हम चाहते हैं अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों को प्रोटेक्शन हो, हमें भी जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज जो होती हैं उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। एक लास्ट कोई 3-4 साल पहले एक इशू हुआ रीना एंड रवीना नामी बच्ची का, उनकी एज शायद कम थी या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनको अगवा किया गया सिंध से पंजाब में, उनकी शादी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। उन्होंने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और जब वो सिंध तशरीफ लाए तो गवर्नर हाउस को हुई रेज द इशू कि आपने जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, ही वॉज द फर्स्ट पोलिटिकल लीडर एज अ नेशनल स्ट्रेचर जिन्होंने फोर्स्ड कन्वर्जेंस पे खुल के बात की थी। तो इतना आपने जलसों में बात की है, आप उस चीज़ का राग है, आई नीड टू समथिंग। उसके बाद एक फौरी तौर पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट हाइएस्ट लेवल पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिस्टिंग अबाउट 22 मेंबर्स सेनेटर्स एंड एमएलएज वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। अनवर ठाकुर साहब उसके चेयरमैन बने और उन्होंने उस पर बात करना शुरू की और मीटिंग्स की कोविड से पहले, और कोविड ने उसकी मीटिंग्स काफ़ी मुतासर की, लेकिन उसके बावजूद उसने काफ़ी काम किया, वो सिंध भी विजिट किया उन्होंने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से भी वो मिले, आपके ऑर्गेनाइजेशन से ही पीटर जेकब साहब आपने सबमिशन उसमें वो जमा करा। लेकिन उसका पहले दिन से जो कंटेक्स्ट यह था कि हम जो इंसिस्ट कर रहे थे कि इसके लिए कानून साजी होना चाहिए, तो वहाँ पे एक ही जोर आ रहा था कि नहीं, इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए।
सबसे पहले तो उसको समझने की जरूरत है पोस्ट कन्वर्जेंस को, क्योंकि ये एक बिल्कुल छोटी माइनॉरिटी है, 3% माइनॉरिटी है, उनके केसेस होते हैं, इतना मीडिया हाईलाइट नहीं करता तो ये पूरे पाकिस्तान का इशू बन नहीं पाता, क्योंकि खासतौर पर सिंध में। अब तो मैंने रीना रवीना की बात की, इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको टेकअप किया और एक कमीशन बनाया कि वो फौरी तौर पर उसमें रिपोर्ट दे, जिसमें आई रहमान साहब थे, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर डॉक्टर शीर मजानी साहबा थी और बाकी मेम्बर थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई, उन्होंने कहा कि सिंध में खासतौर पर और अपर सिंध में एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क मौजूद है जो बच्चों को एडवर्टाइज करता है, लर्न करता है, अगवा करता है, उनके मजहब की जबरी तब्दीली होती है। उस रिपोर्ट के बाद वो रिपोर्ट उस कमेटी में पेश की गई थी। उस कमेटी ने जब काम किया आगे, तो वी वर फाइनली कि हम इस नतीजे में पहुंचे, वो पार्लियामेंट्री कमेटी कि उसने काफी विजिट्स भी किए कि जब तक कोई कानून नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जन के लॉज होने जरूरी है, फोर्स्ड हो, वॉलेंटरली हो, जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान में कन्वर्जन के हवाले से कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। जब लॉ बनाने की बात आई तो वो ह्यूमन राइट्स को कहा गया कि आप हमें ड्राफ्ट लॉ बनाए, एक फोर्स्ड कन्वर्जन पे एक ड्राफ्ट लॉ बना। उसकी बड़ी बड़ी दो चीजें थी कि 18 ईयर्स से जो एज हो, कम हो, तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर उसके बाद भी अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है तो वो किसी स्टेट के फंक्शनरी के पास पेशक हो जाए, वो डिप्टी कमिश्नर के पास हो जाए, वो सेशन जज के पास हो जाए, वो सिविल जज के पास हो जाए, लेकिन किसी इंडिविजुअल को ये इख्तियार ना हो कि जिसको चाहे उसको वो कन्वर्ट कर दे। जैसे ये हम समझते हैं, काफी बार मैं समझता हूँ मजहब की तब्दीली हर किसी का हक है और ये सदियों से होता रहा है। नए मजहब भी मजहब की तब्दीली तो छोड़े, नए मजहब भी बनते रहे हैं, तो मजहब की तब्दीली भी हो सकती है लेकिन वॉलंटरी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो लॉ प्रपोज किया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने, और जैसे ही इस लॉ का ड्राफ्ट मेंबर्स को शुरू हुआ, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जमायत इस्लामी थी, उनके सेनेटर ने उसको मीडिया में हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि हुकूमत एक ऐसा कानून लाना चाह रही है जिससे इस्लाम में दाखिल होने पे पाबंदी लगाई जा रही है। और क्योंकि उस दिन उनका मीडिया हॉस्टाइल था उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, खासतौर पर गवर्नमेंट का, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दिया। और इस हद तक कि कमेटी में बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि ये कमेटी जो है, ये जो ड्राफ्ट होना है, ये आप भेजें उसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को। अरे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को उस वक्त उस लॉ को भेजने का कोई इख्तियार नहीं था और वो इलीगल था। वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को ना भेजा गया, अराउंड मेरे ख्याल उसके 21 मेंबर थे और उन्होंने उस पर डेलीब्रेट किया, उसमें कोई माइनॉरिटी का बंदा नहीं था, हमें उन्होंने नहीं सुना। और उसके बाद उन्होंने कोई 23 या 24 उसमें से इस तरह के उसमें नुक्स निकाले जिसे लग रहा था कि वो चाहते हैं कि ये जो है इस पर कोई कदर ना लगे, और जो बाकायदे से जारी है। और जब वो कमेटी में आया और हमने उसको फिर उसको कहा कि ये लॉ पेश किया जाए, इसको वोट किया जाए, तो उस वक्त चेयरमैन साहब चेंज हो चुके थे, हमारे लियाकत तरक्की साहब को चेयरमैन हो गए थे, बहुत अच्छे बंदे। तो कहा गया 18 ईयर्स का उसके जहन में आया, तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने अपने बच्चों की शादी 18 ईयर्स से कम में की थी, तो इसमें हम लॉ कैसे ला सकते हैं। सो जब चेयरमैन इस तरह की आ गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, और वो लॉ थ्रू नहीं हो सका और विदाउट वोट उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। मैं एज ए सेनेटर नहीं हूँ, मैं दो दफा कौमी असेंबली का मेंबर रहा हूँ, मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है वो हमें सिंपथाइज करते हैं, वो चाहते हैं हमारे मसले का कोई हल निकले, लेकिन जो हमारा गिवन जो कल्चर है पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में, ये जो रिलीजियस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जो हमें स्ट्रीट पावर है, वो उन चीज़ों को खेलते हैं और उन चीज़ों से वो डरते हैं, इसलिए वो इस पर प्रायोरिटी दे देंगे। आप पीटी साहब ने बात की कि बड़ा रीअश्योरिंग है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है माइनॉरिटी की बात की, और फिर आगे खुद ही एक और बात भी कह गए कि तकरीरें नहीं अमल भी होना चाहिए। तो सिद्ध असेंबली इज द ओनली असेंबली
जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज बिल पास किया था, और यूनानिमस था, एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, उसमें एमक्यूएम थी, फंक्शनलिटी थी, जीजीए थी, सब उस बिल को सपोर्ट किया, दैट बिल वाज यूनानिमस। लेकिन हमारे कुछ रिलीजियस लीडर्स को एतराज था जो असेंबली में नहीं थे, उनकी एक फोन कॉल में उन्होंने बिल वापस लिया और कहा कि हम तिरुपुर करके दोबारा इसको वापस लाएंगे। नगरा उपायने के हमारे एमपी ने उसको प्रेजेंट किया था, लेकिन आज दिन तक बोला वापस नहीं आया। तो तकरीरें सही कहते आप ज्यादा है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो नेशनल असेंबली के हैं। अरे एक तो बड़ी हिच वहाँ पे जो हमारे राह में हायल हो रहे थे कि हम लेजिस्लेशन ना करें, वो ये ले आ रहे थे कि माइनॉरिटी इज नॉट अ फीडर सब्जेक्ट। 18वीं तमीम में जो माइनॉरिटी का सब्जेक्ट है, इट इज डिवॉल्व टू प्रोविंसेस। ना हमारा कोई मिनिस्टर है, ना मिनिस्ट्री है, ना हमें वहाँ पे फंड्स हैं, ना वेलफेयर फंड्स हैं, या सच कोई माइनॉरिटी के लिए फेडरल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते। अब हर प्रोविंस जो है शादी के लिए भी अलग अलग लेजिस्लेशन हो रही है, तो मुख्तलिफ वराइल में मुख्तलिफ इशूज में उसमें लेजिस्लेशन के इशूज आ रहे हैं। नेशनल असेंबली में क्या होता है कि हम अगर माइनॉरिटी रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन ले भी आते हैं, जैसे आपने नेशनल कमीशन ऑफ उसका जिक्र किया था, तो वो भेज देते हैं कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी उसकी कंसर्न बनती है, वो बनती है रिलीजियस अफेयर्स अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, जो रिलीजियस स्टैंडिंग कमेटी एंड रिलीजियस अफेयर्स है, इट्स प्रीडोमिनेंटली जो उसमें अक्सरियत होती है उन लोगों की होती है जो हज में इंटरेस्टेड होते हैं। उसका सबसे बड़ा हमारे रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसका सबसे बड़ा काम हज कराना होता है, तो उसमें प्रीडोमिनेंटली एक रिलीजियस लोग होते हैं, वो माइनॉरिटी लेजिस्लेशन को इस तरह समझते हैं कि कोई हमसे अनजाने में कोई गुनाह ना हो जाए, तो वो उसको बड़ा अवॉइड करते हैं और उसको टच करने की ट्यूनिंग करते हैं। कल भी की ये बात हुई है कि ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स इशू है, वहाँ जाना चाहिए, ये बेसिकली लॉ एंड जस्टिस का इशू है, वहाँ जाना चाहिए, तो वो अवॉइड होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, लिमिटेड टाइम, सो व्हाट एवर कुड डिलीवर माय सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बात की अगेन मजहबी अकलियतों के लिए, हमने एक दिन भी मनाते हैं, केक भी काटते हैं, तकरीरें भी करते हैं, बहुत से कन्वेंशन्स में बैठ के हम यही बात करते हैं कि तमाम मजहबी अकलियतें हमारे साथ हैं, वो हमारे आइन का कानून का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चलता कि क्या ये सब बातें स्ट्रक्चर्स में भी मौजूद हैं या नहीं, कितने फंड्स हैं जो जाते हैं, क्या कितनी कानून साजी में मदद की जाती है। और इसी इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं एजाज आलम ऑगस्टीन साहब, अगर वो हमें ये बताएं कि अगेन आपने सर्व किया रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री में, क्या चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है वो फेस करने पड़ते हैं जब भी हम अगेन एक कंसेंसस तो हम देखते हैं डेवलप है ह्यूमन राइट्स की तरफ से, ह्यूमन राइट्स के अम्ब्रेला में कानून बन गए, कानून के ड्राफ्ट्स बन गए, लेकिन हम कब तक एक ऐसे मुआशरे में हैं जहाँ पर मजहबी नफरत या सियासी जो जमातें हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम कब तक ह्यूमन राइट्स के एजेंडा को पीछे रख कर बाकी तमाम चीज़ों को स्पेस देते रहेंगे, और क्या आपके जो एक्सपीरियंस है उसका भी ये हिस्सा है, और किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं समाजी अदारों में इब्राहिम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे अकलियत के दिन के हवाले से आज जो तकरीब का इनेकाद किया, और जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को यहाँ पे बुलाया ताकि हम उन चीज़ों को डिस्कस किया जा सके कि जो अभी तक चीज़ें नहीं हो सकी और जिनकी आगे ज़रूरत है। क्या मैं पाकिस्तान के वक्त जब 1940 में इसकी करारदाद पाइस पास हुई थी, तो उसको कह दिया था उनके साथ जस्टिस कर्नेलियस भी उसमें पेश पेश थे। फिर उसके बाद पंजाब की तकसीम की बात आई, तो उस वक्त के जो स्पीकर थे
एसपी सिंघा साहब और हमारे दूसरे जोशुआ फजल दीन और गिबन साहब जो तीन वोट कास्ट किए गए, तो उस उन तीन वोट की बुनियाद पर जो पंजाब की तकसीम हुई, तो उसके बाद सबसे पहला काम ये किया गया कि इस बुनियाद पर एसपी सिंघा साहब के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद आ गई कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो असम्बली का स्पीकर नहीं बन सकता। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी बुनियाद रख दी गई थी जिसकी बुनियाद पर आज भी उसके असरात जो है मौजूद हैं कि बहुत जगह पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक आपने लेजिस्लेशन की बात की, तो बिल्कुल मैं जो हमारे एमएलए मल्ली साहब ने बात की है, यकीनी तौर पर लेजिस्लेशन के लिए बहुत सारे मसाइल हैं और उसके लिए बहुत लंबी जो है लॉबिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जारी बात है कि जब तक आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में असम्बली में मुनासब लॉबिंग नहीं होगी। और जो उन्होंने मिसाल दी है पीपल्स पार्टी के, यकीनी तौर पर सिंध में जो मनाटी राइट्स बिल जो पास हुआ था उसको फिर, और इवन देन एक उन्होंने जो करारदाद पास की थी, फिर उनको इतना रिलीजियस पार्टियों का प्रेशर आया था, उनको वापस लेनी पड़ी थी। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर ये ज़रूर है कि जो हमारी मजहबी जमातें हैं उनका बड़ा रोल है, उनका बड़ा प्रेशर भी है, गवर्नमेंट पे भी बहुत दफ़ा वो इस तरह का दबाव डाल देती हैं तो गवर्नमेंट को अपने फैसले वापस लेना पड़ते हैं। जहाँ तक हमारे पॉलिटिकल एमएनए एमपीए जो माइनॉरिटी के हैं उनका तल्लक है, वो अपने तौर पर कोशिश करते हैं जिससे जितना काम होता है वो करने की कोशिश करता है। बाहर पिछले सालों में तो काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटीज के लिए काम हुआ है, जिसमें हायर एजुकेशन में जो 2% कोटा दिया गया है, उसके बाद जो है पंजाब में ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटी का बजट उसको जो 5 times जो है बढ़ा दिया गया है। तो ये इस तरह की बहुत सारी, और फिर ख़ास तौर पर आज इस जो बात करते हैं हम तंग नजरी की, और 188 पंजाब में जो पंजाब टेक्स्ट बुक में ऐसे बुक्स थी जिनसे हेट मटेरियल को ख़त्म किया गया, और ये पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा मुमकिन हुआ था। तो बुनियादी तौर पर उसमें साथ साथ इंटरफेथ हाम अली की जो पॉलिसी भी ड्राफ्ट की गई, और ये काम भी ये इस तरह के थे कि जिसमें कम अज़ कम मुजाहर के दरमियान जो हाम अली है उसको क्रिएट किया जा सके। तो बज़ाहर मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस तरह आज हम सारे लोग बैठे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो हैं, सियासी लोग जो हैं, थिंक टैंक जो हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमें मिलकर इकट्ठे होने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो मसाइल हैं हम उनकी उनको हल करने तक जाना पड़े, वरना तो इसी तरह ही जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि हम आज तक ये साबित नहीं पता नहीं चल सका कि हमारी लीडरशिप इनके हाथों में है, क्योंकि हम चर्च के पीछे भी नहीं जाना चाहते, सिविल सोसाइटी के पीछे नहीं जाता, पॉलिटिकल जो पार्टीज के हमारे लोग हैं उनके पीछे भी नहीं जाना चाहते। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसको मैं समझता हूँ कि अदारा समाजी जो है, अदारा समाजी इंसाफ जो है वो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि इन पर हम बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपकी आपकी फीडबैक का भी। मेरे सवाल मैं चाहूँगी कि मैं कुछ सिंगल नेशनल करिकुलम पे भी बात करूँ, और फिर मैं बाकी जो बाकी आप दोनों पे भी आऊँगी कि आप उसमें ऐड करें और हमें एक ओवरव्यू दें कि सियासी जमातों का किरदार क्या रहा है ओवरऑल एक कानून साजी में। सिंगल नेशनल करिकुलम और निसाब के अंदर, खाली सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं, मेरे ख्याल से निसाब में जब भी हमने बात की है मजहबी अकलियतों की नुमाइंदगी की, हेट मटेरियल को निकालने की, इस तरह के मौजूदात को निकालने की या इंक्लूसिव बनाने की तरफ, तो बहुत सारी उसके ऊपर भी
जैसे हमने शुरू में जैसे देख रहे थे कि अकलियत अलिफ से है, ये आइन से नहीं था, और आइन से और अलिफ से का जो सफ़र है इसके ऊपर निसाब एक बहुत बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ खावर मुमताज़ साहिबा मौजूद हैं, जो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद कमीशन भी बना उसका भी पार्ट रही कोर्स कन्वर्जन के ऊपर भी। खावर मुमताज़ साहिबा, अगर आप हमें बताएं कि एक ऐसे निसाब की हमें क्यों ज़रूरत है जो ना सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें ना सिर्फ हमें पाकिस्तान के हर उस फर्द की नुमाइंदगी मिले, चाहे वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हमें हर जेंडर की नुमाइंदगी मिले, हमें हर सूबे की हर तरह की शनाख्त की नुमाइंदगी मिले, क्या ऐसा निसाब बनाना पाकिस्तान में क्या ये एक नामुमकिन काम है, या इसके ऊपर कुछ एफर्ट हो सकती है, और क्या अब तक हो चुका है, और चैलेंजेस क्या हैं जो रह गए हैं इस निसाब को बेहतर बनाने के? सबसे पहले तो इस महफिल को जमाने के लिए मैं इदारा समाजी इंसाफ को बारी बात करूँगी। ये बहुत कम होता है कि सब फिक्र के लोग, सियासी फिक्र और दूसरे फिक्रों के लोग एक साथ बैठें और एक डिबेट करें। समाज में डिबेट जो है वो बहुत अहमियत रखती है, और मेरा ख्याल से ये आज हमें बहुत अच्छा मौका है कि हर फिक्र के लोग यहाँ बैठे हैं, हर सियासी पार्टी के भी लोग बैठे हैं, कि हम एक एक जो एक एक मूवी एक बन गया है और एक खास उस पर फिक्र और सोच की ज़रूरत है, उस मौजू पर हम बात करने के लिए बैठे हैं वहाँ पर। ख़ास तौर पर क्योंकि अकलियतों का पॉलिटिक है, तो उन्हीं उनके जो मसाइल हैं उन्हें वो सामने लाने के वाजे करने के का मौका मिलता है। अभी तक जो बात हुई है, मैं ये जो करिकुलम है और निसाब है उसको जो अभी तक बात हुई है, जो अगर हम फोर्स कन्वर्जन की बात करते हैं या फोर्स मैनेजिस की बात करते हैं या उनकी आवाज़ पूरे तौर पर होने की बात करते हैं, उनकी नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो वो बहुत करीब से और कानून की साजी होती है, लेकिन वो पूरी तौर पर नहीं हो सकती क्योंकि उसके खिलाफ कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ हल्के हैं, और जो कि जिनमें खास तौर पर जो मजहबी हल्के हैं जिनका कि एक पावर बेस भी है वो उसमें रोक देती है। तो इसके हवाले से हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि लोगों की सोच हम कैसे बदलें। जब तक हम लोगों की सोच नहीं बदलते तो ये इकदाम जो है बार बार रोके जाते हैं। सोच बदलने के लिए निसाब का बहुत एक अहम किरदार होता है कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को किस किस्म की सोच उनके दिलों में और उनके दिमागों में पैदा कर रहे हैं और उसको इंस्टिल कर रहे हैं। अगर हमारे निसाब का और तालीम का मकसद किसी एक मजहब को या किसी एक सियासी सोच को बढ़ाना है, या हमें लोगों बच्चों में एक सोचने की जो एक क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं सोच में और वसत बढ़ानी है, उन्हें सही और गलत का एक जो फ़र्क है वो उनमें वो सलाहियत पैदा करनी है कि उनको वो फ़र्क भी महसूस कर सकें और सच और झूठ को भी अलग अलग कर सकें। हमारा मकसद तो तालीम का बच्चों में वो जो है ना क्वालिटीज़ को बढ़ाने का, उसमें किसी को पीछे रखना या किसी को आगे रखने की का सवाल ही नहीं होना चाहिए। और जबकि हमारा बहुत ही वाज़ेह तौर पे जो लोगों की जो कायदे आज़म का कौन है जिसको हम बार बार दोहराते भी हैं, उसके अंदर आए जो उसका मानी है वो ये है कि आपका मजहब आपका है और आपके जो स्टेज है वो आपको इधर अच्छा इंसान बनने के लिए आपके लिए मौके पैदा करते हैं और उसमें तालीम सबसे ज़्यादा है। हम जब तालीम की बात करते हैं और जैसे सिंध में बात हुई जो अभी यहाँ पर डिस्कस हुआ कि जो मज़हब का सब्जेक्ट है उसको मज़हब के तौर पर पूरी तरीके से पढ़ाया जाए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की जो भी अहम चीज़ें हैं वो उन तक
उसको एक दूसरे के साथ गड़बड़ ना करें और उसको उसी हवाले से रहने दें। बाकी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं उसमें हर एक मज़हब को डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप वही अगर आप देखें इस्लामियात का जो भी सिलेबस है, हिस्ट्री का देख लें, हर चीज़ का आपने उसमें जो मज़हब की सलाहियत है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो मेजॉरिटी है मेजॉरिटी है वो इस्लाम है, बाकी जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं वो फिर उनको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है और उनको लगता है कि वो एक्सक्लूड होते हैं। अभी आपने बात की इंक्लूजन की, इंक्लूजन के लिए तो यही ज़रूरी है कि आप तालीम के जो अहम चीज़ें हैं, तालीम के जो अहम क्वालिटीज़ आप लोगों में एक सिटीजन में एक शहरी में पैदा करना चाहते हैं उस पर फोकस हो, सोचने की सलाहियत हो, सही और गलत का फर्क पाना हो, झूठ और सच पे के फर्क और इम्तियाज करने की सलाहियत हो सके। उसमें किसका क्या मजहब है वो शुभ फैक्टर है, वो उसमें इतनी अहमियत नहीं हो सकती। तो हम ये देखते हैं कि बचपन से बच्चों के दिमाग में फ़र्क जो है और जो एक फर्क जो है एक दूसरे में उसको और शार्प किया जाता है उसको और उसमें फर्क को एक्सरसाइज किया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी नेचुरल करिकुलम ना रखें, उसमें से मज़हब को मज़हब के मौजू के साथ ही सिर्फ पढ़ाएँ, हर चीज़ में मज़हब डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हर चीज़ में मर्द और औरत और जेंट्स के जो फर्क है उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के साथ तो जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें बराबरी का जो एक अक्सर है उसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है। इसी तरह हम ये देखते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनके तालीम के ऊपर असरअंदाज होते हैं। क्या वजह है कि स्कूलों में से बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, क्या वजह है कि मैट्रिक के बाद हाई स्कूल में लड़कियाँ स्कूल में नहीं जा सकती। नहीं, हमें उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरी नहीं ज़रूरत है, बजाय इसके लिए हर सब्जेक्ट में चाहे वो हिसाब हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, उसमें हर एक आपको मेरा अपना ख्याल है कि मैं सब कुछ नहीं। एक बात करूँगी अभी जो बहुत सवाल हुए थे एयरफोर्स कन्वर्जन के हवाले से, उस कमीशन में मेरा भी हिस्सा था जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाए। उसके बाद दो तीन और केसेस थे जिसमें मुझे नेशनल कमीशन एम आई से बनाया गया, उसमें बहुत बात आती है कि पोस्ट करते कन्वर्जन के बाद शादी मतलब उसको इस्तेमाल किया जाता है शादी करने के लिए किसी को अगर मज़ा तब्दील करा दिया कम्युनिटी की शादी हो जाती। जब तक कि हमारे पूरे मुल्क में एक उम्र का तयन नहीं होगा कि इससे कम उम्र की शादी नहीं हो सकती, तो ये पोस्ट कन्वर्जन और लड़की शादी के 12 साल की लड़की को पोस्ट कन्वर्जन करके शादी कर लें, सिर्फ में 18 साल की उम्र है लड़कियों की शादी के लिए कम अज़ कम। लेकिन पंजाब में नहीं है, वहाँ से लड़की अब डक होती है उसको आप पंजाब में ले आते हैं और यहाँ पर उसकी शादी हो जाती है, और अगर शादी हो भी जाती है तो वो कानून के तहत और मज़हब के तहत नहीं होती है। तो हमें ये भी नहीं मालूम कि उनका उम्र की शादी जो ज़बरदस्ती से होती है और कन्वर्जन करने वाले थे उस लड़की की ज़िंदगी आगे क्या है उसके बारे में हमने कोई ना तहरीर की, बल्कि मैं पीछे जेकब से कहूँगी कि एक आपको आप रिसर्च करने की ज़रूरत है कि वो लड़कियाँ जो कन्वर्ट होती हैं उनकी भी शादियाँ हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ आगे जाती हैं क्या होता है, तो उनको क्या बनना चाहिए। हमें ये एविडेंस जनरेशन भी चाहिए और हमें दूसरी जो एक बात है जहाँ हम याद रखते हैं कि हर हर बड़े बड़े बेहतरी भी होती है, लेकिन हमें ये भी याद रहने की ज़रूरत है तो बेहतरी काफ़ी नहीं है, हमें उससे ज़्यादा तेज़ बेहतरी चाहिए। यहाँ पर इस स्कूल का हर शहरी समझे कि मैं दूसरे के बराबर का शहरी हूँ और मैं कमतर नहीं हूँ क्योंकि मेरा मज़हब कुछ और, तो मेरे हाथ से हमें उस तरफ हमारा गोल होना चाहिए। उसमें तालीम का सबसे बड़ा अंसर है और उसमें सियासी पार्टियों का बहुत अहम रोल है कि वही है जो कि कानून की तब्दीली कर सकते हैं, बहस करके लोगों को समझा सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी से क्या आ सकता है। जब उनके साथ एक सेकंड स्टेटस का दूसरे दर्जे की श्रेणी का एक अप्रोच होती है या कर देती है। थैंक यू सो मच जी, आप सबसे गुजारिश है एक दफ़ा अगर सबका मूड भी बेहतर हो तालियों में बजाना चाहिए तो आप तालियों से भी
एक डिस्कशन जो हमारी अभी चल रही है फोर्स कन्वर्जन सिंगल नेशनल करिकुलम निसाब की तब्दीली निसाब की में शमूलियत के लिए इस पे आप सबकी राय में शामिल होना बहुत अहम है। हमारे साथ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अगर अपने सवालात कमेंट्स या जो भी कमेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में लिख दें ताकि हम उनको भी शामिल कर सकें। एंड आई वुड वांट कि हम इन द एंड आप लोगों की तरफ भी आएं और सवाल कुछ सवालात भी हम अपनी ऑडियंस से दे सकें। मेरे साथ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं कोऑपरेटिव्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए अली बशारत साहब और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी आ रहे हैं। कानून की जब हम बात कर रहे हैं आपके सामने एक डिस्कशन दोबारा से हुई, आई एम श्योर ये पहली दफ़ा नहीं था कि मजहबी अकलियतों के जो मसाइल हैं वो आपके सामने आए हों, किस तरह से इनको टैकल किया जा सकता है और क्या वो सियासी मैच्योरिटी की ज़रूरत है जिसके वजह से मजहबी अकलियतों के मसाइल को ना सिर्फ हाईलाइट किया जाए बल्कि उनके हल की तरफ भी बढ़ा जा सके। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आज इस तकरीब के उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपकी खिदमत में आऊँ। मैं स्टेज पर बैठे हुए मजहबाती अफराद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इंतहाई अहम मसाइल पर अपनी राय का इजहार किया। एजाज आजम साहब मेरे कोलीग रहे हैं और इनके साथ मिलकर हमने ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी और दीगर जो इश्यूज़ हैं जिनके आज हम बात कर रहे हैं उसमें काम किया थे। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे वजाहत करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में ये मेरी जाती राय है तो आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है कि जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं तो वो और चीज़ है और वो निसाब जिसमें कोई हेट मटीरियल हो या अकलीतों के मतलब कोई चीज़ दर्ज हो वो दैट समथिंग है। इन दोनों में फ़र्क है। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उस पर मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरा एक रूरल बैकग्राउंड है, हम सबसे पहले हम लोग जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं ये उनका मुतालबा रहता है कि जी एक यकसा निसाब होना चाहिए। आज आपके मुल्क में अगर देखें तो मेरे ख्याल में कम से कम 3-4 निसाब का डिफरेंट चल रहा है। उर्दू स्कूलों में रहता है, शहरों में रहता है, वो स्कूल एक नया ट्रेंड जो आजकल चल रहा है कि जिनके एफिलिएशन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ है उनका करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट है। सो ये मल्टीपल आप कह सकते हैं कि करिकुलम इस वक्त चल रही है। तो जब हम इस सबको यकजा करने की बात करते हैं तो वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन वो निसाबी कुतुब जिनमें कोई हेट मटीरियल हो या अकलीतों के हकूक जो हैं उनसे वो मुतसादिम हो वो दैट समथिंग एल्स। मेरे ख्याल में एजाज आजम साहब इस बात से इतफाक़ करेंगे, मुतमाइन बेसर मौजूद हैं कि कभी भी और उनका ताल्लुक किसी और जमात से है, मेरा किसी और जमात से है, एजाज आजम साहब के साथ मेरा इतफाक़ रहा हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में किसी भी पार्लियामेंट में लेकिन बिलखसूस हम अपने पंजाब के पार्लियामेंट की बात करते हैं कि वहाँ पर कभी भी हमने ऐसा कोई कानून लाने की कोशिश नहीं की कि जो अकलीतों के हकूक की नफी करता हो। और तमाम पोलिटिकल पार्टियाँ जिस तरह जहाँ पर कहा गया है कि इस बात पर मुतफिक भी रही भी हैं और आज भी मुतफिक हैं कि हम कम अज़ कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अकलीतों के हकूक की ज़रूर बात करते हैं, उनसे इतफाक़ भी करते हैं, अकलीती नुमाइंदों से भी इतफाक़ करते हैं। ये एक अलहदा इशू है कि कौन सी गवर्नमेंट ने अकलीतों के लिए ज़्यादा काम किया, कौन सी गवर्नमेंट ने अकलीतों के लिए कम काम किया।
अभी जिस हमारे मेंबर नेशनल असेंबली फरमा रहे थे और उससे पहले जब मैं हाजिर हुआ तो हमारे मोहतरम खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से बात की कि पार्लियामेंट में दो दिन तकलीफों के मसाइल पर डिस्कशन हुई, बहुत अच्छी बात है डिस्कशन हुई। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप देखें, क्योंकि आज हमारी पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इकतदार में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह एम एन ए साहब फरमा रहे थे कि दो दिन पहले सबक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ज़्यादा से कन्वेंशन किया और माइनॉरिटीज़ के हवाले से, और उस पर जो भी उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं आज ये करना चाहता हूँ कि चाहे कोई पोलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में चाहे अपोजिशन में है, वो कुछ हकायक ऐसे हैं जिनसे इनकार नहीं कर सकते, और उनमें एक हकीकत ये है कि माइनॉरिटीज़ के हकों के हवाले से कभी भी कोई पोलिटिकल पार्टी इनकार नहीं करती, चाहे एक इकतदार में है चाहे अपोजिशन में, कोई सब इस बात पर इतफाक करते हैं। लेकिन फिर प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है वो इसमें डिफरेंट है, बिल्कुल फोर्स मैरिज या फोर्स कन्वर्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल मौजूद है, गो ये सिर्फ मतलब है किसी एक तबके तक मौजूद नहीं है, बहुत सारे इसमें मसाइल भी हैं, बहुत सारे इसमें और लोग भी मुलवस हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर एक हकीकत मौजूद है। वो मैं थोड़ा सा इस बात से ज़रूर इतफाक करूँगा कि बाज़ अवकात जो फिगर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अलार्मिंग हो जाते हैं कि जिनसे इतफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक वाक़या भी है तो इवन दैन इसमें एक वाक़या कंडेमनेबल भी है और अलार्मिंग भी है, नहीं होना चाहिए। इस पर बाकायदा कानून सालों की कोशिश की गई और फिर बात जो आड़े आती है हमारे मोहतरम भाई ने उस सिलसिले में खुद फरमा दिया, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये इशू हम सही मानों में एड्रेस करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए कानून चाहिए चाहिए। इसके बाद उम्र के तहरीर के हवाले से आपने बात की, जाम आलम साहब ने इस बात की शायद कोशिश की और जो पंजाब असेंबली में शादी के लिए उम्र के तहरीर का बिल पेश किया गया, हमारा ख्याल यह था कि विश्व की अखबार और हमारा ये था तो हमने किया, लेकिन ये जिस तरह फेडरल सतह पर इस्लामी नजर के बाद चले इसी तरह का अदारा पंजाब में भी मौजूद है, वो हमने उनके पास भेजा लेकिन उससे हमें कोई हमारी ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं हुई और वो मामला अभी तक नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ताला इसको किसी तरीके से इसका हल निकाल सके। दूसरी बात यहाँ पर फरमाया गया कि अकलीतों के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि आपके जो हकूक हैं अगर उनके लिए अलहदा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता तो फिर उसको हम पार्लियामेंटेरियंस जो है वो डिफेंड इस तरह करते हैं या डिफेंड करने वाले इस तरह डिफेंड करते हैं, चूँकि ये आइन मौजूद है और आइन में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है तो फिर किसी मजीद कानून की ज़रूरत ही नहीं है, ये बात आमतौर पर तो वैसे ऐसे कौन है। मैं समझता हूँ कि आप सब बेहतर समझते हैं कि हम आइन पर कितना अमल दरामद करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी माइनॉरिटी के राइट्स की बात हो तो फिर उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सिर्फ आइन में दी गई प्रोविजन के हद तक ना रहें बल्कि अगर मजीद उस पर ये कानून साजी हम करना चाहें तो हमें कर लेनी चाहिए। एक बात फंड्स के हवाले से आपने की, आलम साहब मौजूद है, मैं समझता हूँ ये पिछले तकरीबन साढ़े तीन साल मेरे साथ मिनिस्टर थे एजाज आलम साहब, तो पिछले साढ़े तीन साल में माइनॉरिटीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट
मजहबी त्योहारों के हवाले से वैसे एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से मैं समझता हूँ जितना काम किया है एक अनप्रेसिडेंट है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और ये एजाज आलम साहब इंग्लिश में कोशिशों के और मैं समझता हूँ कोशिशों के अलावा अगर गवर्नमेंट की कमिटमेंट ना हो, आपकी पोलिटिकल लीडरशिप है उसकी अगर कमिटमेंट ना हो ये मुमकिन नहीं होता। भारत जो हमारी पोलिटिकल लीडरशिप थी उसकी कमिटमेंट थी और ये सब कुछ मुमकिन हुआ। मैं यहाँ पर यह भी आज करना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक दो में सारे मरहल को तय करना चाहें, बल्कि हमें मरहलावार चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर हम मरहलावार चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर जिस तरह हर साल आप इकट्ठे होंगे, हर साल अब चीज़ों पर बात कर रहे होंगे, तो कम से कम आपको कोई भी, मैं अपने गवर्नमेंट की बात नहीं करता, आज हमारी गवर्नमेंट है कल किसी और की होगी, गुज़श्ता कल में किसी और की थी, सो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमती बेंचों को रिप्रेजेंट करना होगा कम से कम उसके पास कुछ ना कुछ बताने के लिए जरूर होगा। मैं जिस तरह एजाज आलम साहब ने फरमाया कि हायर एजुकेशन के हवाले से ये बहुत बड़ा इशू था, उसके लिए अगर हमारी रजीम ने कोटा को फिक्स किया, उसको सहल बनाया, एक अच्छा काम है। जो भी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी आप उसको याद रखेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगी उसके बाद बताने के लिए कुछ नहीं होगा। सो मैं मुख्तसर प्रयास करना चाहता था कि हमारी कोशिश रही है कि मिनोरिटीज के लिए काम करें। लेजिस्लेशन के हवाले से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर करूँगा कि कभी भी मेरी ये ज़ाती तौर पर जितना से मैं गाँव में सुना, मेरी ये कोशिश रही है कि अगर पब्लिक वेलफेयर के कोई लेजिस्लेशन आई है तो मैंने कभी अपने मौसम को नहीं किया। इवन अगर वो प्राइवेट मेंबर की तरफ से भी आई हमने उसको कभी उसमें इतराज़ नहीं किया। आइंदा के लिए भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारे मोहतरमा पार्लियामेंटेरियन भी आप मौजूद हैं, एम पी ए हैं, वो एक ताल्लुक अपोजिशन से है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी मौजूदगी में इस सदन का एक बार फिर इरादा करता हूँ कि माइनॉरिटीज के हकूक के तहफ़ के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी लेजिस्लेशन आएगी गवर्नमेंट की तरफ से उसका पूरा उनके साथ तामुल किया जाएगा। और मैं आपसे भी यह अर्ज करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे बाद ये होता है कि हम भी साल में एक दिन रखते हैं और सारी बातें साल में एक दिन करते हैं, इसमें थोड़ा सा आप भी गौर फरमा लीजिए कि अगर तीन महीने के बाद आप बात कर लेंगे तो शायद आपके सामने कुछ लोग अकाउंटेबल भी हो जाए, मेरे से सब अकाउंटेबल हो जाएंगे। साल की बात कर लेंगे तो साल के बाद चेहरे भी बदले हुए होते हैं, लोग भी बदले हुए होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अगेन हम आप सबकी आपकी काविशों की बहुत सपोर्ट भी करते हैं, और इससे बेहतर और क्या होगा कि हम इन बातों को रिपीट करते रहें। और इसमें इदारा बराए समाजी इंसाफ का बहुत किरदार है कि वक्तन फवक्तन हमें इन मौजूआत पर वो वापस लाते हैं, इशूज़ पर वापस लाते हैं, और एक डिस्कशन ऑनगोइंग डिस्कशन की तरह वो शामिल रहती है। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का और सपोर्ट का भी। और मेरे ख्याल से अब हम बेला रजा जमील साहिबा की तरफ चलते हैं और आपसे हम ये पूछेंगे कि हमने बात की है, आप फॉर्मर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ भी आपने एडवाइस किया, आप हमें अगर ये बताएं कि निसाब में एजुकेशन का जो मसला है, एजुकेशन में जो चैलेंजेस मजहबी अकलियतों को फेस करने पड़ रहे हैं, और निसाब में इंक्लूजन के लिए या हेट स्पीच के ऊपर ड्रॉप आउट रेशो मजहबी अकलियतों की उनकी भी बहुत ज़्यादा है, क्या वो मसाइल हैं जो अभी भी रह गए हैं और जिनके ऊपर आपको लगता है कि एक सियासी
बिल का होना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। अगर आप वो माइक यूज़ कर लें समाज इंसाफ का शुक्रिया। वाकई में मैं कहूँगी कि ये साल में एक दफ़ा नहीं होता बल्कि सिकंदर शुक्री क्लब की वजह से भी और बहुत वजह से भी बहुत सारे हमारे मुकदमे जारी रहते हैं और नशस्तें भी चलती रहती हैं और तो ये एक दिन का की बात नहीं है। मेरे ख्याल में 365 दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहती थी क्योंकि माशाल्लाह से दे लोग हैं और पैरेंट्स ने मेरे से पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मगर देखिए तहकीक बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उसमें फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जब हम अकलियतों को देखते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 2.5% लोग, 2.5% सो जिसमें हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं और उसके बाद थोड़े 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 थोड़े, वो भी एक मसला बन जाए तो मुझे लगता है कि आज जो 75 साल पाकिस्तान के मना रहे हैं तो हम अभी भी रड़ते हुए बच्चों की तरह हैं, हम मैच्योरिटी की लेवल पर नहीं अभी तक एडोलेसेंस में, क्योंकि अगर हमें वो 2.5% भी बर्दाश्त नहीं है और या उनसे समझ नहीं आ रही कि कैसे मुख्तलिफ हवाले से एक दूसरे के साथ कैसे हम बैठे, तो वाकई में बहुत बड़ा मसला है। और मसला सिर्फ निसार का नहीं, ये तो तयशुदा बात है। फिर बात एक और आती है कि जी जब बहुत 3-4 किस्म के निसार चल रहे हों तो ये तो बहुत अच्छी कार्य विषय कि हम एक सिंगल नेशनल कार्यक्रम पर आ रहे हैं। सिंगल लफ्स में मुझे हमेशा दहशत रही और छपकर मैं उनसे आपके साथ बहस रही कि देखिए यही जैसे अकलियतों का कारण हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ 3% लोग हैं पूरी तालीमी हिसाब किताब में जो कि कोई और करिकुलम इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में 1% एलीट स्कूल्स हैं जो कि ओ लेवल से ए लेवल से पढ़ाते हैं और मदारिस को देख लीजिए तो वो भी 1.5% ऑनेस्टली से ज्यादा है नहीं, क्योंकि मदारिस में भी पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं वहां पे भी मैट्रिक का। अच्छा तो यानी कि अगर हमारे पास 97% है वो लोग हैं जो कि 2006 का भी करिकुलम इस्तेमाल एक ही तरह से हो रहा है, सबको मैट्रिक देना है, सबको वही हिसाब पढ़ना है, तो ये जो एक सिंगल की पोलिटिकल स्कोरिंग थी ना, चले बस पोलिटिकल स्कोरिंग ही कहते हैं मगर कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि और कन्फ्यूजन की वजह से एक मतलब एक तकलीफ हुई क्योंकि हम फिर दो कदम पीछे जा रहे हैं कुछ आगे जा रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि हम जब ये कहते हैं एक सिंगल नुक्ते पर हम आ जाएं या हम एक सिंगल नेशनल की तरफ आ जाएं तो क्या हम कह रहे हैं कि हम डाइवर्सिटी को तस्लीम नहीं करते? क्या कोहिजन का मतलब है डाइवर्सिटी को एक्सक्लूड करना? नहीं, मैं कहता हूँ तो हुकूमत भी कह रही है, पार्टी भी कह रही है कि बिल्कुल मतलब ये नहीं है। कोहिजन का मतलब है कि बहुत पॉजिटिव तरीके से मिल बैठना, बहुत सारी बातों को सुलझाना और आगे बढ़ना, और ये एक वो मतलब एक तरह से एक कॉन्ट्रडिक्टरी पोजिशन बन जाती है, वन नेशन वन करिकुलम, मतलब वो सारा कुछ इतने वो लैंग्वेज उसकी ऐसी है कि वो लोगों को ऐसे महसूस करवाती है कि जैसे फर्क होना कोई ऐब है, ऐब नहीं है, कुदरत के हिसाब से भी वो एक बहुत बड़ी एक कुदरत के बिल्कुल करीब होना है टू बी डिफरेंट। तो अब ये लैंग्वेज, ये जबान, कि इस तरह के इमोशनल पोजीशन देना सोसाइटी में बहुत अहम चीज़ है और हम उस इमोशनल पोजीशन की, मैं इमोशनल जान कुछ के दे रही उसकी इजाज़त नहीं देती, मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती, मैं फर्क मतलब, और मैं इसलिए याद कर रही हूँ कि कायदे आजम वहाँ 12 मई से शुरू करते हैं, जब हम 14 अगस्त आता है, 23 मार्च आता है, बार बार हम कायदे की बात करते हैं, वो बेचारे तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते, उसको तो परे रखा। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लस्टर ऑफ राइट्स है ना, आप तो एक एक आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अरेंजमेंट से तो नहीं देखते,
आप उसको मिला के देखते हैं ना, बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे तजाद हैं, बहुत सारे मसले हैं, हम उसको भी देखें और फिर हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी ठक करके साइन कर देते हैं, साइन तो कर देते हैं, जश्न भी मना लेते हैं, मगर फिर उस पर अमल दरामद करना, चाहे वो SDGs 2030 है, चाहे वो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, बहुत सारी कन्वेंशन, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक ये बहुत बड़ी बात है। मगर सिंगल नेशनल करिकुलम की एक बात है जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि मतलब हमें बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए और उस हौसले की भी कि हुकूमत ने उस डिबेट को खोल दिया। पीटर जैसे लोग उसकी सोर्ट ऑफ कमेटी में भी थे और पीटर को पता भी नहीं चलता था, जब फैसले हो जाते थे मुझे भी नहीं पता चलता, मैं बहुत सारी कमेटीज में हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, खबर नहीं दी आप लोगों ने। तो मतलब ये जरूर हुआ कि स्टेट ने इजाजत दी, जमहूरियत ने इजाजत दी, पार्टीज ने भी इजाजत दी कि बैठ के इसके बारे में बहस होनी चाहिए। और बहस होते होते ये जरूर हुआ कि वो जो सिंगल नेशनल करिकुलम में एक एक जैसे फोर्ट्रेस बनी हुई थी ना, वो फोर्ट्रेस की दीवारें एक एक करके रहती रही और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे बहुत संजीदगी से ये फैसला हुआ कि हेट स्पीच को निकाल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अगस्तीन साहब ने भी कहा कि भाई निकाला, हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर जो वो भी बैठते हैं तो किसी करिकुलम में वो भी बैठ के गाहे बगाहे इश्यूज को रिजॉल्व करते रहते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर बात आज अगर हमने करनी है और खुल के करनी है, क्योंकि इसी पर बात है, क्या हमें ये माइनॉरिटीज डे का जो सिलसिला है, जैसे परसों से एहतजाज हो रहा है कि क्या नाइदर इक्वल डिस्क्रिमिनेशन भी वैसे सब कुछ है, तो क्या बेहतर नहीं कि इक्वालिटी डे कहना चाहिए ना कि माइनॉरिटी डे कहना चाहिए। मतलब पॉइंट ये है कि आप जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप ये ना भूलें कि इशू निसाब का नहीं, इशू है टीचर्स के रवैयों का, कम्युनिटी के रवैये का, घर में माहौल क्या है, आप कैसे निगोशिएट चीज़ें करते हैं। और निसाब का मतलब जो है वो उसमें एक रवैये हैं और कॉग्निटिव के अलावा नॉन कॉग्निटिव बातें हैं जिसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो जिंदगी गुजारने की महारतें जिसमें आपकी एक सामाजिक और इमोशनल सलाहियतें बढ़ती हैं। पूरी दुनिया में आज बात हो रही है कि अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है तो वो जो लाइफ स्किल्स हैं, जिंदगी गुजारने की महारतें बचपने से लेकर, यानी कि आप अर्ली चाइल्डहुड से लेकर, यानी बच्ची में है, प्री स्कूल में है, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर दसवीं से लेकर यूनिवर्सिटी तक और उसके आगे भी आपको उन सलाहियतों को संभालना चाहिए जिससे आपको अवेयरनेस, आइडेंटिटी, ये सारे इश्यूज मिलते हैं। इसी से फिर आप कम अज कम आपके पास वो सलाहियतें होती हैं कि जिसमें आप ना सिर्फ स्कूल और समाज मगर अपने जो काम की जगह है, वर्कफोर्स की जगह है, आप उसको भी निभा पाते हो। वो सलाहियतें मिल रही, वो सलाहियतें किसी बच्चे को नहीं मिल रही। पाकिस्तान की एक बहुत ही एक फैसला की बात है कि हमने निसाब को एक छोटे सी एक छोटी सी 1x1 inch की स्पेस दी हुई है, उसे कहा या रख लो और इम्तहान दे लो, समझो कुछ ना, दिल की बात ना करो, ये ना कहो कि आज घर में क्या हुआ और क्यों हुआ, या कौम की मस्जिद में अटैक हुआ तो क्यों हुआ, चाहे आप वही बच्चे क्यों ना हो जो कि आप लोग उसमें थे शामिल। तो जहाँ पे इतना कल्चर ऑफ साइलेंस होगा स्कूलों में या मोहल्लों में या घरों में, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल है कि एक निसार तो आप समझते हैं कि उससे सभी कुछ हासिल हो जाएगा, वो मुमकिन नहीं है। तब्दीली बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए है और उसके लिए हमें एक दफ़ा फिर तालीम को एक खुले तरीके से देखना पड़ेगा, जहाँ पे ज़िंदगी की महारतों को बीच रखना पड़ेगा, जहाँ पे इंसान जो है वो अपने हकूक की पासदारी कर सके, उसके बारे में बोल सके बगैर किसी झिझक के और बगैर किसी परेशानी के कि इसके ऊपर कोई ना कोई दफा लग जाएगा, क्योंकि वो कॉलोनियल रूल्स भी हैं, हमारे मार्शल लॉ के रूल्स भी हैं और उसको मजीद हमने टफ कर दिया है, क्योंकि हर दफ़ा हम कहते हैं कि मौलवियों के पास ले चलो तो वो बता देंगे कि क्या करना है। तो नैरेटिव्स बहुत सारे चल रहे हैं, हमारे पास पैगाम पाकिस्तान का भी है, नेशनल करिकुलम का भी है, सबका है,
अगर असल बात है कि वो अमल की स्पेस मिल रही है या नहीं, और वो 2.5% जो लोग हैं उनके लिए उनके लिए जगह है, ये बात है, और इसको हमें आगे कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा।